अब देखिए आज है होली, तो इस अवसर पे सबसे पहले हैप्पी होली टू यू ऑल। तो होली के अवसर पे कुछ मीठा होना चाहिए, तो आज के कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर के एपिसोड में हम बना रहे हैं मालपुआ। तो मालपुआ की रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और उसी के साथ सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिखते हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल की हाल चाल, मैं हूं जसप्रीत आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर में हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है मालपुआ। तो मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम मालपुए का बैटर बना लेंगे। तो उसके लिए 3 भाग मैदा, 1 भाग सूजी। अब जो मार्केट वाला मालपुआ होता है ना, वो अंदर से सॉफ्ट होता है एंड बाहर से क्रिस्पी होता है, वो क्रिस्पीनेस आती है सूजी से। तो मैं सारी रेसिपी आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स में बता रहा हूँ। 3 भाग मैदा, 1 भाग सूजी और 1/2 भाग मिल्क पाउडर। इनफैक्ट दिस रेसिपी इज मेड विदाउट खोआ एंड विदाउट एनी कंडेंस मिल्क। हमने जो मिल्क पाउडर डाला है उससे रिचनेस आएगी और सॉफ्ट बनेंगे हमारे मालपुए। अब इसको फ्लेवर करेंगे। बेसिकली मालपुए में 4 फ्लेवर्स बहुत जरूरी है, एक केसर, इलायची, काली मिर्च, सौंफ। काली मिर्च और सौंफ हम फ्रेशली पाउंडेड मतलब ताजी कूट के डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे एंड देन केसर हम डालेंगे चाशनी में। तो अभी इलायची का पाउडर डाल देते हैं। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट सारे मिक्स कर लिए। अब इसका बैटर बनाने के लिए आप या तो पानी ही डाल सकते हैं या फिर उसको और रिचनेस देने के लिए दूध डाल सकते हैं। हम दूध डालेंगे और थोड़ा सा वार्म कर लिया था मैंने, थोड़ा सा गर्म कर लिया था दूध को, उससे बहुत बढ़िया बैटर बन जाएगा। इस बैटर को अच्छी तरह फेंटना बहुत जरूरी है। अगर आप बैटर अच्छी तरह फेंटेंगे नहीं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी जो आपको चाहिए। तो ये बैटर डन है। अब मैं आपको प्रॉपरली इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देता हूं। ये विस्क रखेंगे साइड में और चम्मच से दिखाता हूं आपको कंसिस्टेंसी। ये देखिए बैटर फ्री फ्लोइंग है, रिबन टाइप कंसिस्टेंसी है, और बैटर के साथ अगर आप 8 बना रहे हैं तो 8 बन रहा है। अभी जो 8 फिगर बन रही है यही पहचान है। इनफैक्ट 8 फिगर बनने के बाद वो पूरे बैटर के साथ मिल जाती है, वो स्टेबल नहीं रहती शेप, मतलब आपका बैटर डन है। अब इसको 15 से 20 मिनट की रेस्ट देनी है। मीनवाइल हम चाशनी चढ़ा देते हैं। तो चाशनी का सिंपल रेशियो है, जितनी चीनी उसका 1/2 पानी। अब चाशनी के लिए चीनी और पानी चढ़ा दिया, उसी में डाल देंगे केसर ताकि केसर का फ्लेवर बढ़ता जाए। अब जैसे मालपुआ इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिसन वर्क, वैसे ही दिस सीरीज इज आल्सो नोन एज मधुस आर्टिसन ट्राइप्लाई सीरीज। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही आर्टिस्टिक सी लगती हैं ये कढ़ाइयां और पैन, क्योंकि जस्ट लुक एट दिस, दिस इज ब्यूटी एंड आर्टिसन वर्क। इनफैक्ट ये जो हैंडल्स हैं ये भी स्टील के बने हुए हैं, तो वो गर्म हो जाएंगे, आपको गर्मी ना लगे, आपका हाथ ना जले, तो उसके साथ ये हैंडल कवर्स दे रखे हैं ताकि आप अच्छी तरह लिफ्ट कर सकें इन सबको। अभी चाशनी बन रही है मधुस आर्टिसन सीरीज की कढ़ाई में, तो ये चाशनी बनने देंगे, बैटर भी साइड में रखेंगे और बैटर में डालने के लिए काली मिर्च और सौंफ कूट लेंगे। अब चाशनी पकते को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ही इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ये एक तार की चाशनी होनी चाहिए।
Meanwhile, हमारे बैटर की भी कंसिस्टेंसी सेट हो चुकी है, बैटर ने रेस्ट भी कर लिया है। अब बैटर में डालेंगे ये कुटी हुई सौंफ और काली मिर्च। अब ये बैटर तैयार है, तेल के गर्म होने का इंतजार है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मतलब मीडियम सा हॉट हो जाएगा, उस टाइम हम मालपुए फ्राई करने लग जाएंगे। अब जब तक मालपुए फ्राई हो रहे हैं, हम चाशनी में थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे ताकि चाशनी रिक्रिस्टलाइज ना हो। मालपुआ क्रिस्प फ्राई होते ही उसको डाल देंगे चाशनी में, एंड चाशनी का टेम्परेचर शुड बी वार्म। अब मालपुए डन है, इनको चाशनी में डाल दिया। अब इनको थोड़ी देर रहने देंगे चाशनी ताकि वो सोक कर ले, और सिंस चाशनी सोक करेंगे तो फ्लेवरफुल रहेंगे अंदर तक। अब ये होता रहेगा, प्लेटिंग करते हैं, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, होली हो और मालपुए ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आपके पास रेसिपी है तो जल्दी जल्दी बनाओ। इंतजार किस बात का है, मुझे भी मत कराओ, टैग भी कर देना ठीक है, जब आप डालोगे फोटो इंस्टाग्राम पे रेसिपी की, उसके बाद वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।